हेलो एवरीवन दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट लेसन फ्रॉम फ्लेमिंगो ऑफ क्लास ट्वेल्थ सी बी एस ई नाउ वी कंटिन्यू देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज़ देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन तभी जब मैं जल्दी चल के स्कूल जा रहा था जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी चल के मैं जा रहा था तभी वहां पर ब्लैक स्मिथ यानी ब्लैक स्मिथ उस पर्सन को बोलते हैं जो आयरन को मेल्ट करके तरह तरह की चीजें बनाते हैं उसका नेम वॉचर था हु वॉज दियर वो वहां पर खड़ा हुआ था विद हिज अप्रेंटिस अपने अप्रेंटिस के साथ अप्रेंटिस का मीनिंग ट्रेनी यानी कि जो किसी के अंडर में ट्रेनिंग का काम करता है उसे अप्रेंटिस बोलते हैं रीडिंग द बुलेटिन वो बुलेटिन पर जो न्यूज लगी थी उसको पढ़ रहे थे कॉल्ड आफ्टर मी उन्होंने मुझे बुलाया डोंट गो सो फास्ट बव वो मुझसे कहते हैं बव इतनी जल्दी तेज मत चलो यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम तुम अच्छे से स्कूल पहुंच जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम पर्याप्त समय है आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट था और अब वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है इतनी जल्दी मत जाओ एंड रेस्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ और जब मैं एम हेमल का जो लिटिल गार्डन था जो की स्कूल के बाहर लगा हुआ था जब मैं वहां पर तेज चल, चल, चल के पहुंचा तो मेरी सांस बुरी तरह फूल चुकी थी यूजली वेन स्कूल बिगिन देर वाज अ ग्रेट बसल विच कूड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट अक्सर ऐसा होता था जब स्कूल स्टार्ट होता था तो वहां पर बसल बसल मीन्स ग्रेट नॉइज नॉइस लिटेड बाई मैनी पीपल यानी कि बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता था विच कूड बी हार्ड आउट इन द स्ट्रीट और वो शोर इतना सुनाई देता था कि स्कूल के बाहर रोड तक शोर आता था द ओपनिंग एंड क्लोजिंग अप डेस्क लेस रिपीटेड इन यूनिसन यूनिसन मीन्स एट द सेम टाइम वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर इयर्स टू अंडरस्टेंड बेटर अब यहां पर फ्रेंड्स बता रहे हैं कि किस प्रकार का शोर सुनाई देता था बच्चे जब अपनी डेस्क खोलते थे बंद करते थे और अपने चैप्टर जब दोहराते थे यूनिसन एट द सेम टाइम यानी कि एक समय पर जब वो अपने चैप्टर दोहराते थे बहुत तेज आवाज में और अपने हैंड्स अपने कानों पर रख के चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वो तेज तेज दोहराते थे एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल और इस बीच में जो जो टीचर थे उनके एम हेमल वो अपने रूलर को टेबल पर हिट करते हुए जाते थे मतलब बीच बीच में हिट करते थे बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल लेकिन अब किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही है सब कुछ एकदम शांत है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डस्क विदाउट बींग सीन काउंटेड ऑन डिपेंड ऑन कमोशन नॉइस कंफ्यूजन अब यहां पर फ्रेंड्स बता रहा है कि अक्सर वो क्या करता था जब स्कूल लेट होता था तो वो शोर का फायदा उठा के अपने डेस्क पर पहुंच जाता था जिससे कि कोई भी उसको ना देख पाए विदाउट कोई उसको ना देख पाए और बिना देखे हुए वो अपने डेस्क पर इजीली पहुंच जाता था बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग टू बी एज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग लेकिन वास्तव में उस दिन तो सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग होती है थ्रू द विंडो विंडो से उसने देखा आई सो माय क्लासमेट्स उसने अपने क्लासमेट्स को देखा ऑलरेडी इन दियर प्लेस जो कि अपने सीट पर बैठे हुए थे एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म और वो अपने उनके जो टीचर थे एम हेमल वो अपने आयरन रूलर को अब आयरन रूलर को यहाँ पर टेरेबिल इसलिए बोला है कि इसी से वो बच्चों को डराते भी थे उन्हें चुप भी कराते थे और क्लास में साइलेंस भी रखते थे तो इसीलिए बच्चे उनसे डरते थे तो अपने आयरन रूलर को अपने बाजू में दबा के वो क्लास में इधर उधर टहल रहे थे आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी और मुझे सबके सामने क्लास का डोर खोलना पड़ा और सबके सामने ही मुझे जाना पड़ा क्लास में अंदर यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉस अब आप इमेजिन कर सकते हैं ब्लस्ट मीन्स फेस टर्न रेड इन कलर ड्यू टू शेम अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबके सामने जब मैं गया तो मुझे कितनी शेम आ रही थी कितनी शर्म फील कर रहा था और मैं कितना डरा हुआ था बट नथिंग हैपन लेकिन कुछ भी नहीं हुआ एम हेमल सॉमी एंड सैड वेरी काइंडली एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली मुझसे बोले गो टू योर प्लेस क्विकली जल्दी से अपने सीट पर चले जाओ लिटिल फ्रेंड्स वी वर विदाउट यू हम चैप्टर शुरू ही करने वाले थे आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क मैंने जल्दी से जाके बेंच पर जम्प किया और अपनी डेस्क पर अपनी सीट पे जाके बैठ गया नोट टिल तब तक तो नहीं वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू किया थोड़ा नॉर्मल हुआ डिड आई सी तो मैंने क्या देखा दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट तो जो उनके टीचर हैं एम हेम एल उन्होंने ब्यूटिफुल ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है हिज फ्रिल्ड शर्ट और उन्होंने अपनी आ, शर्ट पहन रखी जिसमें कि फ्रिल लगी हुई है एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और उन्होंने छोटी ब्लैक कलर की के सिल्की कैप भी पहनी हुई है ऑल एम्ब्रॉयडर्ड और सभी चीजें एम्ब्रॉयडर्ड थी मतलब सभी पर एम्ब्रॉयडरी हो रही थी जैसे कि उनका ब्यूटिफुल कोट था ग्रीन कलर का शर्ट थी और की कैप थी सभी चीजें एम्ब्रॉय उन पर एम्ब्रॉयडरी हो रही थी डेट इज नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज ये जो एम हेमल थे इन्होंने जो आज ये ड्रेस पहन रखी थी वो ड्रेस वो वैसे कभी नहीं पहनते थे सिवाय इसके कि या तो स्कूल में इंस्पेक्शन होता था या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था इसके अलावा वो इस ड्रेस को कभी नहीं पहने थे कभी नहीं पहनते थे लेकिन आज उन्होंने वो ड्रेस पहनी हुई थी तो ये सरप्राइज करने वाली बात थी बिसाइड द होल स्कूल बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल जो था वो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज दिख रहा था और बहुत ज्यादा गंभीर भी दिख रहा था बट दरप्राइज मी मोस्ट वॉस टू सी लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो हैरानी हुई देखकर वो ये थी कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम यानी कि जो हमारी क्लास की जो बैक बेंचेस होती थी वो हमेशा खाली होती थी और जो ब्लेस पीपल होते थे वो ब्लेस के जो पीपल थे वो वहां पर चुपचाप हमारी तरह ही बैठे हुए थे तो ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी ओल्ड हॉसर बेथ हिज थ्री कॉर्नर हेड और वहां पर जो बैठे हुए थे उनमें जो लोग थे वो ये थे आ, जो हॉसर थे हॉसर यानी कि उनके ब्लेज के कोई मुखिया होंगे उन्होंने हेड पहन रखा था जो जो कि थ्री कॉर्नर जिसमें तीन कोने बने हुए थे द फॉर्मर मेयर फॉर्मर मेयर द फॉर्मर पोस्ट एंड सेवरल अदर बिसाइड्स और फॉर्मर uh, पोस्टमास्टर और दूसरे लोग भी बैठे हुए थे यानी जितने भी पर्सन बैठे हुए थे सब ओल्ड पीपल थे रिटायर्ड पीपल थे एवरीबडी लुक्ड सैड और जो सभी बैठे हुए थे बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे थे एंड हॉसर है एजिस प्राइमर मीन्स बेसिक रीडर बुक ऑफ एनी लैंग्वेज थम विन्स टॉन फटी हुई एट द एजिस किनारे हॉसर थे वो अपनी आ, बेसिक रीडर की बुक लेके आए थे यानी कि जो बेसिक रीडर यानी कि जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में से एल के सी नर्सरी में जो हम एबीसी पढ़ते हैं वो बुक वो अपनी लेके आए थे अपने साथ और वो बहुत ही पुरानी थी फटी हुई थी एंड ही इट ओपन ऑन हिस्स नीज विद ग्रेट स्पेक्टिकल्स और उन्होंने वो बुक अपनी नीज पर रखी हुई थी और उस पर उन्होंने अपने चश्मा भी रख रखा था वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल जब मैं इन सबको देख के इतना सरप्राइज फील कर रहा था एम हेमल माउंटेडे जब मैं सरप्राइज हो रहा था पहले तो को देख के हुआ, फिर क्लास को देख के सरप्राइज हुआ और इस बीच में जो एम हेमल थे वो चेयर पर बैठ गए एंड इन द सेम ग्रेड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी और जो उन्होंने अपनी गंभीर और जो काइंड जो जेंटल टोन थी उस टोन में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन मेरे चिल्ड्रन ये तुम्हारा लास्ट लेसन है आई शेल गिव यू जो मैं आज तुम्हें दूंगा यानी आज जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो तुम्हारा लास्ट लेसन है द ओल्ड ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास और बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि अब एल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाए वर्लिन वर्लिन इज द कैपिटल ऑफ प्रशिया एंड प्रशिया इज नोन एज जर्मनी इन मॉडर्न डेज द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अब यहाँ पर वो एम हेमल बता रहे हैं कि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है फ्रेंच का जो मैं आज सुबह पढ़ाऊंगा और कल से तुम्हें जर्मन पढ़नी होगी और उसके तो लिए न्यू मास्टर तुम्हें पढ़ाने के लिए आएगा दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव उन्होंने कहा ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है और तुम सब मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर इस चैप्टर को इस लेसन को पढ़ो वॉट आर थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर् टू मी यानी कि ये जो वर्ड्स थे जो एम हेमल ने कहे थे तो वो एकदम से थंडर क्लैप थंडर क्लैप जैसे कि स्टार्टलिंग एकदम चौंक जाना अनएक्सपेक्टेड जिसकी कभी उम्मीद ना की हो या इस तरह से हम समझ सकते हैं थंडर बिजली गिर जाना यानी उनके वर्ड्स जब मैंने सुने तो ऐसा लगा मुझसे बिजली गिर गई ओ द रेच इज दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल ओ तो ये वही दुर्घटना है वही मतलब नोटिस जो बोर्ड पे जो लिखा हुआ था टाउन हॉल जो बताया था कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उसके जो बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज लगी हुई थी और उसको पढ़ के सब लोग इकट्ठे थे वहां पर लगता है ये वही न्यूज थी माय लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच का क्यों मैंने तो भी लिखना भी नहीं सीख पाया आई शुड नेवर लर्न एनी मोर अब मैं इसे कभी नहीं पढ़ पाऊंगा कभी नहीं सीख पाऊंगा आई मस्ट स्टॉप दियर और मुझे यहीं स्टॉप करना पड़ेगा Then, oh how sorry I was for not learning my lessons। अब मुझे इतना दुख हो रहा है कि जो चैप्टर मैंने उस टाइम पे ध्यान से नहीं पढ़े थे फॉर स्पीकिंग वर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार और जब चैप्टर जो पढ़ाए जाते थे क्लास में टीचर जब एक्सप्लेन करते थे तो मैं क्या करता था उस टाइम पे जो वर्ड के जो एक्स थे और जो आ, सार इज अ रिवर दैट पास थ्रू फ्रांस सारे एक रिवर नदी है जो कि फ्रांस में बहती है और मैं उसमें स्लाइडिंग करने के लिए जाया करता था स्लाइडिंग यानी कि तैरने के लिए जाया करता था माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ आइल एगो और जो मेरी बुक्स थी वो मुझे बहुत ज्यादा न्यूसेंस मींस बर्डन मुझे बहुत ज्यादा बर्डन लगती थी कि इतनी भारी बुक मैं लेके जाऊं अब स्कूल सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स यानी कि ग्रामर की बुक्स और ये जो हिस्ट्री है अब हिस्ट्री में पता नहीं कौन कौन से सेंट्स की कौन कौन से सेंट की स्टोरी लिखी हुई है ये सब बुक्स मुझे ले जानी है फिर पढ़नी है मुझे बहुत ज्यादा बर्डन लगती थी उस टाइम पे वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप लेकिन अब वो बुक्स मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगती हैं